இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு பிளாக்பஸ்டர் வண்ணங்களில் குஜராத்தில் டாடா குழுமத்தின் ராணுவ விமான தயாரிப்பு ஆலையை ஸ்பெயின் பிரதமரோடு இணைந்து திறந்து வைத்த பிறகு பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்பொழுது நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। साथियों, भारत के इन प्रयासों में वडोदरा शहर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये शहर पहले से ही एमएसएमईज का स्ट्रांग सेंटर है। यहां हमारी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोफेशनल तैयार कर रही है। वडोदरा में फार्मा सेक्टर, इंजीनियरिंग एंड हैवी मशीनरी, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पावर एंड एनर्जी इक्विपमेंट, ऐसे अनेक सेक्टर से जुड़ी अनेकों कंपनियां वडोदरा में है। अब ये पूरा क्षेत्र भारत में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसके लिए मैं आज गुजरात सरकार को, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई को और उनकी पूरी टीम को उनकी आधुनिक औद्योगिक नीतियों के लिए, निर्णयों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। साथियों, वडोदरा में एक और खास बात है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण कल्चरल सिटी भी है। ये हमारी सांस्कृतिक नगरी है। इसलिए आज स्पेन के आप सभी साथियों का यहां वेलकम करने में मुझे विशेष खुशी हुई है।
भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे याद है फादर कार्लोस वेले स्पेन से आकर यहीं गुजरात में बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष यहीं बिताए। अपने विचारों और लेखन से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। मुझे उनको कई बार मिलने का सौभाग्य भी मिला। उनके महान योगदान के लिए हमने उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया। अब मैं इतना कह रहा हूं तब तक किसी के गले नहीं उतरेगा, लेकिन हम लोग गुजरात में उनको फादर वालेस कहते थे और वो गुजराती में लिखते थे। अनेक गुजराती साहित्य की उनकी किताबें समृद्ध हमारा सांस्कृतिक विरासत है। साथियों, मैंने सुना है कि स्पेन में भी योगा बहुत पॉपुलर है। स्पेन के फुटबॉल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई। बार्सिलोना की शानदार जीत यहां भी डिस्कशन का विषय रही। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों क्लब्स के फैंस में भारत में उतनी ही नोकझोंक भी हुई जितनी स्पेन में होती है। साथियों, फूड, फिल्म्स और फुटबॉल सभी में हमारे रिश्ते स्ट्रांग पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि भारत और स्पेन ने साल 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई के रूप में मनाने का निश्चय किया है। साथियों, भारत और स्पेन की पार्टनरशिप एक ऐसे प्रिज्म की तरह है जो बहुआयामी है, वाइब्रेंट है और एवर इवॉल्विंग है। मुझे विश्वास है कि आज का यह इवेंट भारत और स्पेन के बीच ज्वाइंट कोलैबोरेशन वाले अनेक नए प्रोजेक्ट्स को प्रेरित करेगा। मैं स्पेनिश इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भारत आए और हमारी विकास यात्रा में। குஜராத்தில் டாடா குழுமத்தின் ராணுவ விமான தயாரிப்பு ஆலையை ஸ்பெயின் பிரதமரோடு இணைந்து திறந்து வைத்த பிறகு பிரதமர் மோடி உரையாற்றிய காட்சிகளை பார்த்தோம். அப்பொழுது இந்தியா விமானங்களை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்ய போகிறது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். மேலும் ஏற்றுமதியில் இந்திய பாதுகாப்பு துறையானது 30 விழுக்காடு வளர்ச்சியடைந்திருக்கிறது என குறிப்பிட்ட அவர் தனியார் பாதுகாப்பு துறைகளையும் ஊக்குவிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் பல்வேறு விஷயங்களையும் குறிப்பிட்டு பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். இது குறித்தான முழு விவரங்களையும் பின்வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம். இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு பிளாக்பஸ்டர் வண்ணங்களில் ராம்ராஜ் டிஷு தோதி ஷர்ட்ஸ். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் ஜனம் யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.